जय जय तुलसी मैया, 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 जय माँ, जय तुलसी मैया, जय माँ। तो ये माता रानी, माँ जगदम्बिके, जगदेश्वरी, वो स्वयं माँ तुलसी जो आप सबके घर घर के आंगन में पूजा पाती है, वह तुलसी का पत्ता का अर्क है। उससे बनाया गया तुलसी का रस है। तुलसी से, तुलसी का क्या गाऊं, गुणगान करूं, सबको पता है तुलसी का नाम बोलने से, ठीक है। और ये जो तुलसी अर्क है, वेदव्यास धाम से, सरस्वती कुंड से लाया गया जल और हरिद्वार का गंगा जल, इस दोनों का मिश्रण से तुलसी का उत्पादन हम लोग करते हैं, ठीक है। तुलसी का स्पेशल काम एक नंबर, पहला, शरीर से हर प्रकार का मल को निकाले, एक नंबर काम है। दूसरा, मेरे पास इतना मोटा पुस्तक है, इतना मोटा, तुलसी का से रोग का इलाज, हाँ ठीक है, इतना मोटा है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो तुलसी से ठीक नहीं किया जाता। एक तो पहला, तुलसी में पानी देने से ऑक्सीजन बनाता है, तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट तो है ही। तीसरा, शरीर का मल शोधक, रक्त शोधक, रक्त को साफ करने वाला, ब्लड के अंदर जितने भी कचड़ा है, केमिकल कंटेंट्स हैं, हार्ट ब्लॉकेज के लिए होने वाले जितने सारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, पेट में स्टॉक होने वाले जितने सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उन सब का विनाश करना ही नहीं, उसको शरीर के लिए उपयोगी बनाना माई तुलसी का काम है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, पाराथायराइड और लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का समस्या हो, आंख में चश्मा लगा हुआ हो, बाल झड़ रहा हो, पाइल्स से लेके चर्म रोग तक, चाहे वो शनि जनित पीड़ा हो, शनि जनित पीड़ा मतलब क्या, बात करो, गैस, सुपर गैस्ट्रिक, शनि जनित पीड़ा में बाल झड़ना, दांत दर्द देना, दांत गिर जाना, शनि और बुध का एप्लीकेशन पे होता है, तुलसी माई रक्षा करती है। बुध कहीं पीड़ित है, बुध जनित समस्या है भाई, स्किन का डिजीज होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मेमोरी पावर कम हो जाना, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर जैसे, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे, तुलसी का। राहु का महादशा चल रहा है और दिमाग खराब हो रहा है, बिना फालतू का चिंता, भय, क्रोध, अत्यधिक कामना शरीर में बढ़ना, इस प्रकार के ग्रह जनित पीड़ा हो, तुलसी माई बचाएगी। क्यों बचाएगी? क्योंकि यहां एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं नारायण एलिमेंट। आप जानते हो, एक बड़ा रिसर्च है कि तुलसी का पत्ता डायरेक्ट खाना इतना कारगर क्यों, और शालिग्राम पत्थर के ऊपर तुलसी पत्ता क्यों रखते हैं। बड़े रिसर्चर लोग देख रहे हैं कि जिसके जिसके जहां जहां शालिग्राम है ना, वहां से रे निकल रहा है, एक बहुत बड़ा आभा मंडल निकल रहा है। तो कोई बोला ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई और कुछ बोल रहा है, लेकिन वो गॉडली एनर्जी है। तुलसी का पत्ता जब उसमें रखते हो और निगलते हो, तो वो कंट्रोल्ड एनर्जी आपके बॉडी में जाती है। तो तुलसी पत्ता में जो गॉडली पार्टिकल है, उसमें एक नारायण, हम लोग नारायण विष्णु बोलते हैं ना, वो गॉडली पार्टिकल एलिमेंट अवेलेबल है तुलसी में, जो आपके शरीर में राहु जनित समस्या, केतु जनित पाप ग्रह समस्या, शनि जनित पाप ग्रह समस्या, केतु पाप ग्रह नहीं है, केतु बहुत पुण्य ग्रह है, माफ करना, तो जो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, जिसका सूर्य का दशांतर दशा चल रहा हो, शनि का दशांतर दशा चल रहा हो, शनि जनित पीड़ा में पस्त हो, आप तुलसी अर्क, गोमूत्र अर्क लेके देखो, चमत्कार कर देता है। तो ऐसा कोई धरती में रोग नहीं है जो तुलसी अर्क से ठीक नहीं हो सकता। और तुलसी जो पीता है ना,
उसके अंदर हर कार्य को सफल करने का ताकत रहता है। अब लोग ऐसा कैसा सर, देखो तंत्र विज्ञान में बताया गया कि अगर आप कहीं काम में जा रहे हो, एक तुलसी का पत्ता लो, चंदन में लगा के या गोबर में लगा के यहां लगा लो, पिट्यूटरी ग्लैंड को सुपर एक्टिव कर देता है, सम्मोहन शक्ति बढ़ा देता है। कहीं भी आप जाते हो आपका काम 100% लोग एकदम नतमस्तक होके कर देंगे, तुलसी जी में इतना दम है। जब आप सोचो यहां लगाते हो ये होता है, जब आप पीते हो तो क्या नहीं होगा। और जो सर्दी खांसी वाले होते हैं ना, जिनका आजमा प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक अटैक्स ज्यादा आता है, नाक भरा हुआ रहता है, नाक में गंध नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यानी कोल्ड कफ, खांसी, ब्रोंकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, देखो मैं डॉक्टर जैसे नहीं कह रहा हूं, मैं ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर देगा, माफ करना, वीडियो बन रहा है ना, कोई मेरे अगेंस्ट में लीगल इलीगल मैटर पे नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूं लाभकारी, सेवाकारी, मैं नहीं कह रहा हूं ठीक हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे माल में दम है ना, फिर चिंता नहीं। अगर दम नहीं होता ना तो 25 साल से मार्केट में नहीं खड़ा होते हम लोग, आज से नहीं 25 साल से खड़े हैं इस प्रोडक्ट को लेके, और लाखों लोग को खड़ा कर देंगे। यहां खाली राउरकेला में नहीं बेच रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, फॉरेन एब्रॉड तक माल भेजा जा रहा है, ठीक है, इतना दमदार है ये हमारा प्रोडक्ट, तो आप समझ लो। तो अगर आपको चाहिए तो पहला नंबर 9437580589, ये नंबर बड़ा बिजी रहेगा तो व्हाट्सएप SMS कर देना, फुर्सत में बात करेंगे। तुरंत बात करने के लिए नंबर बताओ, 7978, जोर से 7978684005, दोबारा बोलो 7978684005, आप बताओ 7077831444। हाँ, और हमारे जो मेन हेड ऑफिस का नंबर बोलो, जहां अगर ये तीन नंबर भी काम नहीं दे, 09437043910। हाँ, ये हमारे सीईओ साहब हैं, मैनेजर साहब हैं, लीडर साहब हैं, तो ये थोड़ा बात ज्यादा व्यस्त रहते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, तो इनका लास्ट में ट्राई करना, अगर हम लोग का इनके और एक भी है, हाँ एक नंबर और 9337572907, तो ये नंबर में आप लोग बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको जितना अमाउंट चाहिए मंगा सकते हैं। आप अगर 1,00,000 टन भी ऑर्डर दोगे तो भी हम लोग का बनाने का तो कैपेसिटी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तुलसी का बहुत बड़ा फार्मिंग भी करते हैं, तो जो किसान बंधु तुलसी का खेती करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने इलाके में तुलसी का खेती करके हमारे जो स्वावलंबन स्वदेशी कामधेनु गुरुकुल है उसमें आप लोग अपना तुलसी बीज सात प्रकार का तुलसी का भी एक अलग प्रोडक्ट हम लोग का भी बना रहे हैं, सप्त तुलसी अर्क, सात प्रकार तुलसी का तेल, तो किसान बंधु को भी फायदा है, देश को भी फायदा है। और जब इस प्रोडक्ट को उपयोग करोगे ना, बहुत सारा पैसा जो देश का विदेशी कंपनी मेडिसिन कंपनी वाले ले रहे हैं ना, उससे आप देश को बचा लोगे, गाँव का लोगों को स्वास्थ्य दे दोगे, व्यक्ति स्वस्थवान रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम लोग केमिकल मेडिसिन, ड्रग्स, विदेशी मेडिसिन, मल्टीनेशनल का मेडिसिन खाने से बच जाएंगे, हमारा पैसा विदेश में चला जाने से बच जाएगा। और ये सबसे बड़ा कैंसर हीलिंग का बेस्ट काम है तुलसी का, कैंसर का तो रामबाण काम देता है ये, और एंटी एजिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार तुलसी का बेनिफिट मैं जितना भी गाऊं दिन भर बैठ के गाऊं खत्म नहीं होगा। तो आप लोग तुलसी अर्क कंपनी हमारे से ऑर्डर कर सकते हो, हमारे स्वावलंबन स्वदेशी केंद्र से, या फिर आप लोग अपने पे बना के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हमसे ही खरीदो, हम लोग किस मार खां ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।